हाय गाइस, मैं आज बनाने वाली हूँ सर्दियों के लिए उपटंस। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए लूंगी मैं एक या दो चम्मच घी। आप घी लेना क्योंकि घी से ही ज्यादा इफेक्ट आता है। ना आप कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं, ना तेल ना और कोई भी जो ऑयली चीजें है, मलाई जैसे कुछ भी यूज नहीं करना, सिर्फ अपने को घी लेना है। और दो चम्मच बेसन लेना है और इनको अच्छे से मिलाना है। गाइज, अपने को इसमें ज्यादा चीजें नहीं लग रही है, एक या दो ही चीजें लग रही है। और ये अपन पानी के साथ मिक्स करेंगे। पानी रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा हो, गर्म पानी ना ले, क्योंकि गर्म पानी लेने से इफेक्ट अच्छा आएगा नहीं। इसमें ठंडा ही पानी यूज करना पड़ता है, इसको बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेट करना पड़ता है एक दूसरे में। ये पूरे तरह ऐसे सफेद सा घोल दिखना चाहिए पूरा। इसको जितना ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे एक दूसरे में पूरा, तभी ये अपना इफेक्ट छोड़ेगा। तो गाइज, आप ये जरूर एक बार ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मैं बता नहीं सकती, जब आप अप्लाई करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है। अगर ये थोड़ा पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये जब लगाएंगे तो इसकी लोइयां निकलती है। अब जब अपन अप्लाई करते हैं तो इसकी लोइयां निकलती है। तो घर में किसी भी एक जगह पे बैठकर ही, कोने में बैठकर ही इसको अप्लाई कीजिए। और बाथरूम में कोई भी ये पैक नहीं लगा सकते आप, क्योंकि बॉडी पे मॉइस्चर बना रहता है तो लोइयां नहीं निकलती। जब लोइयां निकलेंगी तभी आपकी डेड स्किन निकलेंगी और आपके निखार चढ़ते जाएगा। और ये एक दिन या दो दिन की बात नहीं है, अगर आप इसको 8 दिन अप्लाई करोगे लगातार तभी आपको समझ में आएगा आप, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो आपको जब समय रहे नहीं रहे तो आप साबुन लगाते हो तो इसकी बजाय आप ये लगाओ। ये बहुत ही इतना कारगर है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, लेकिन एक बार नहीं, आपको 8 दिन तो लगातार ही लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको लगेगा कि घी है तो इसकी वजह से कोई कोई अवॉइड करते हैं, तो घी की वजह से ये आप कोई कोई नहीं यूज करने को देख पाएगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता कि जो लोग घी खाते हैं वो घी लगा भी सकते हैं। तो आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए इसको। तो ये थोड़ा सा मेरा पतला दिख रहा है, कंसिस्टेंसी इसकी पतली दिख रही है, तो मैं थोड़ा सा और बेसन लगाऊंगी, क्योंकि उपटन जो लोहिया निकलती है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही होना। तो ये जो है मैं अभी इसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाऊंगी। ये बन गया मेरा उपटन। इसको जितना ज्यादा फेटेंगे, जितना ज्यादा इसमें सब एक दूसरी चीज पेनिट्रेट होंगी, तब तक जाके ये अच्छा बन पाएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये मैं बताती हूँ। अब इसको अप्लाई करेंगे हाथ पे ऐसे। ये बॉडी के लिए है, पूरे चेहरे के लिए है, क्योंकि चेहरे पे और भी ज्यादा निखार लाता है ये। ये जब तक पेनिट्रेट करेंगे इसको ऐसे ऐसे, और ये थोड़ा सूखने को आए, थोड़ा मॉइस्चर रहे, बहुत ज्यादा सूखने नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो स्किन खिंची खिंची सी हो जाती है। जब ये लगाएंगे ऐसा तो थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना, और जब तक ये थोड़ा सूख जाए तो फिर इसकी लोइयां निकालना चालू कीजिए। फिर लोइयां निकलने के बाद पूरी आपकी डेड स्किन निकल जाएगी, और आपका जो हाथ है, फेस है, आपने ये अप्लाई किया है हाथ फेस पे तो पैर पे, तो इतना अच्छा लगेगा, आपको मैनिक्योर पेडिक्योर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज, ये मेरा जो फेस पैक है आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। गाइज, ये मेरा अभी ये सूख गया है, तो मैंने इसको ये मैंने निकाला है। ये थोड़ा और भी सूख जाएगा तो इसकी ऐसे लोइयां निकलेगी, ये आप देख सकते हो सूख जाने के बाद। ये अगर बेसन थोड़ा सा गाढ़ा रहा तो और भी ज्यादा लोइयां निकलेंगी। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, आपको पतला चाहिए या गाढ़ा चाहिए। मुझे तो पतला अच्छा लगता है इसलिए मैं पतला लेती हूँ। लेकिन घी, बेसन और ठंडा पानी, ये बहुत ही ज्यादा तीनों चीजें इफेक्टिव है, क्योंकि जब अपन नहाते हैं तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए और पीने के लिए गर्म पानी लेना चाहिए। और बेसन में तो साबुन से भी ज्यादा झाग वाला इफेक्ट रहता है, तो इससे जो घी का बास है वो नहीं आएगा, क्योंकि साबुन से पूरा ये निकल जाता है। इसलिए आप साबुन ना ही लगाओ तो अच्छा है।
क्योंकि साबुन लगाने से क्या होता है, होम रेमेडीज पे थोड़ा सा निगेटिव असर होता है और वो ब्लैक से दिखती है। इसलिए कोई भी होम रेमेडी जब अपन अप्लाई करते हैं तो साबुन ना ही यूज करें तो ठीक है। जब आप ये गाढ़ा लेंगे तो ये लोइयां निकलेंगी आपकी ऐसी। तो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अब देखिए गाइज, ये जो मेरा हाथ है ये देखिए, दूसरा था करो गाइज, आप देख सकते हो कि ये कितना इफेक्टिव है। अब मैंने लगाया तो ये पूरी डेड स्किन यहाँ से निकल गई है और इस हाथ पे मेरी आप डेड स्किन भी देख सकते हो। तो देख लीजिए कितना डिफरेंट लग रहा है, दोनों हाथों में कितना डिफरेंस लग रहा है। मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, डिसलाइक, कमेंट जो भी चाहे आप कर सकते हो। मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा क्योंकि मैं DIY करती हूँ। जैसे कि मेरा ये फाउंटेन है इंसेंस लगाने का, ये तो यहाँ पे मैंने कैंडल होल्डर भी बनाया है, तो ये कैंडल होल्डर है और यहाँ पे मैं इंसेंस भी रखती हूँ। तो अगर आपको ये मेरा DIY अगर आपको पसंद आया हो तो इसके लिए कमेंट जरूर करें, मैं ये बनाकर दिखाऊंगी।